Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with the chapter of human resource planning and job analysis, fundamentals of human resource management by Robinson DeSanzo. Previous lectures में हमने human resource management process के ऊपर बात की, then हमने उसके challenges को देखा. अभी के लिए हम human resource management के first function के ऊपर बात start कर रहे हैं, that was staffing. जिसके सब फंक्शंस में पहला सब फंक्शन था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, देन रिक्रूटमेंट एंड देन सिलेक्शन. सो अभी के लिए हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? सो एनी आइडिया अबाउट इट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स नीड्स. क्या है जी? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरियात को डिटरमाइन करते हैं. और अगर अभी सिंपली बात करें, दैट इज अ प्रोसेस विच डील्स विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इफ वी स्टडी द इकोनॉमिक्स तो हमें ये एक याद हो गए. तो ये DD कर्व कहलाता था और ये सप्लाई कर्व कहलाता था. और इसी की बेस के ऊपर हम कमोडिटीज के हवाले से क्या बनाते थे? ये इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. बेसिकली अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें और इसको कमोडिटीज से हटा के ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर लगा दें, तो बेसिकली दिस इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग परफॉर्म्स फॉर अस. यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे अगर डिमांड हमारे पास 10 लोगों की है तो सप्लाई भी कितने की होगी? दैट इज 10. सो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो हमें इक्विलिब्रियम हासिल होता है. सो ये तो हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जनरेट की. ये क्यों जरूरी है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन सक्सेसफुल ह्यूमन resource management programs, because it is a process by which an organization ensures that it has the right number and kind of people at right place at right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall strategic objectives. So that's where it seems to be very much important for the organization ki hum right person for the right job at time and place ko search out kar sakte hain. So, before jumping into the detail of human resource planning, we have to understand one thing, that is an organization's framework. What is an organization framework? Ek organization kaise apna kaam karti hui nazar aati hai? Let's start with this one, that is a mission statement. Mission hum kisko kehte hain? Mission is the reason of organizational existence. Agar aap is mission statement ko detail mein study karna chahte hain, तो इसी चैनल के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में के कोर्स में जाके आप मिशन वाले सेकंड चैप्टर को भी डिटेल में देख सकते हैं. एनीवे, मिशन इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन्स एग्जिस्टेंस. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी, ये किस तरह से डिफाइन होता है? दैट इज डिफाइंड बाय अ मिशन स्टेटमेंट. सो हम ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को किस अंदाज में लेते हैं? एक मिशन हमारे लिए क्या है? एक गाइडलाइन बनता है. यहाँ से हम थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं. एक मिशन हमारे लिए क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस के लिए एक गाइडलाइन बनता है. डिटरमाइन व्हाट मिशन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन. तो चलो जी, ये हमने कर लिया. यहीं से हम क्या डिफाइन करते हैं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर हम इसी से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रक्चर, एंड देन वी फिल इट विद द पीपल. इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलते हैं. लेकिन मिशन और से डिराइव जो करते हैं हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, इसके लिए हमें एक सपोर्ट मिलती है. किसकी? एक एनालिसिस की. विदाउट दीज एनालिसिस और नोइंग दीज थिंग्स हम अपने लिए कोई भी चीज प्लान नहीं कर सकते. और वो क्या कहला रहा है? दैट इज नेम्ड एज SWOT एनालिसिस. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. So, इसको हमने जब SWOT analysis को बनाया
तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आपको मिलते हैं, एक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वाला और एक अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स वाला। इसको हम क्या रखते हैं जी, स्ट्रेंथ्स हमेशा और वीकनेसेस हमेशा इंटरनल होती हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल होती हैं। सो ये एनालिसिस हमें क्या हेल्प करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपने आप के लिए क्या फाइंड आउट करनी है, अपने इन विद इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को प्रोसेस को असेस करना है और वहाँ से क्या ड्राइव करनी है, स्ट्रेंथ। यानी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज, वो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेहतरीन कर सकती है या दूसरों की नस्बत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, वो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। देर इज़ अनदर वर्ड विच इज़ ऑल्सो यूज, दैट इज कॉल्ड एज कोर कॉम्पिटेंसी। इसको हम कंपेटिटिव एज भी कहते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती हैं, दीज आर ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी यूनिक रिसोर्स को, यूनिक स्किल को, एबिलिटी को शो कर रही होती हैं। सो स्ट्रेंथ्स हमने ले ली, नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द वीकनेसेस। वीकनेसेस क्या होती हैं, दीज आर द रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन लैक्स और एक्टिविटीज इट डज पुअरली। यानी वो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के पास ना हो या वो जो अच्छा परफॉर्म ना कर सकता हो जिन चीज़ों में, वो उसके क्या फॉर्म करती हैं, वीकनेसेस। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हमारे पास फाइनेंस है, इनफ फाइनेंस इज अवेलेबल इज अ स्ट्रेंथ। अगर हमारे पास फाइनेंस कम है तो इट इज़ अ वीकनेस। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हाईली नॉलेजेबल स्किल्ड है तो ये हमारी स्ट्रेंथ होगी। हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना स्किल्ड नहीं है, क्या होगी, वीकनेसेस। यानी वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वही चीज़ें हमें स्ट्रेंथ्स भी देती हैं और वीकनेसेस भी देती हैं। सो इसी के हवाले से हमारे पास जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी वो इसी की बेस के ऊपर बनती है। देन हमारे पास स्वॉट में दूसरा फैक्टर आ जाता है, दैट इज अपॉर्चुनिटीज, और दूसरी चीज़ें क्या आ गई, थ्रेट्स। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो चीज़ें जो हमें बेनिफिट दे सकती हैं वो हमारे लिए क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज, और वो चीज़ें जो हमारे लिए नेगेटिविटी कॉज कर सकती हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, उसको हमने क्या कह दिया, थ्रेट्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होते, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो ये स्वॉट एनालिसिस हमें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू डेवलप द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड देन आउट ऑफ दोज डिराइव अ स्ट्रैटेजी। ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस भी देख लेते हैं। गोल्स हम किसको कहते हैं, जब इन दोनों वर्ड्स को हम इकट्ठा यूज कर रहे हों तो ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर यूज फॉर शॉर्ट टर्म और गोल्स आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म। एट टाइम इंग्लिश का वर्ड के तौर पे इसको हम सिनोनिम्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। सो हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, इसे हम क्या डिवाइस करेंगे, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है, हाउ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विल बी अचीव्ड, अ वे और रोड मैप बाय विच गोल्स कैन बी अचीव्ड। ये स्ट्रैटेजी जो है इसको हम डिफरेंट लेवल्स पे देख सकते हैं। जैसे OS हमने बना दिया, दैट इज नेम्ड एज ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी से क्या मुराद है, जस्ट टेक एग्जांपल, इफ दिस इज द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी किसको कवर कर रही है, दिस इज कवरिंग द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन किस पे चलेगी, इसी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या बना रहे होते हैं स्ट्रक्चर। ये देखें, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन गए, उसके आगे अगली हायरार्की आ गई। सो स्ट्रक्चर बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी में एक की रोल प्ले करता है। सो स्ट्रक्चर में बेसिक डिटर्मिनेशन किसकी होती है कि व्हाट आर द डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज, और वो कौन करेगा, और कौन से टास्क और एक्टिविटीज किस डिपार्टमेंट के अंडर आ रहे हैं, बाय होम दे विल बी डन। और इस स्ट्रक्चर को हम फिल किससे कर देते हैं, दैट इज विद पीपल, लाइक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करके हम उन जॉब्स को फिल कर देते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, और ये स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ह्यूमन रिसोर्स लिंक प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो दिस इज के जो ह्यूमन रिसोर्स प्लान हम बनाते हैं वो बेसिकली एक मस्ट बी, मैं इधर आपके लिए सेपरेटली एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अलाइनमेंट।
यानी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी है और एचआर स्ट्रैटेजी है वो एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी से मुराद यानी दोनों अलाइंड होनी चाहिए। ये ना हो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी कुछ कर रही है और एचआर उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। सो दैट इज़ व्हाट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कि हम एचआर प्लानिंग करते वक्त मिशन को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को देखते हैं, स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करते हैं, स्ट्रक्चर और देन पीपल को लेते हैं, और दैट्स वेयर वी गो फॉर अ अलाइनमेंट। सो दिस वॉज द बेसिक विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर अलाइनमेंट। इसमें हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क देखा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हमने डिफाइन भी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस को अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग इन्वॉल्व इन दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।